वीडियो श्रृंखला में आज हम बीए पार्ट थर्ड और जिसमें पेपर सेकंड सामाजिक मानव शास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आत्म समाजों का अध्ययन क्यों। जैसा कि हम देखते हैं कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आत्म समाजों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, विवेचना कीजिए। बहुत से मानव शास्त्री यहाँ ये प्रश्न उठाते हैं कि जिन हम आत्म समाजों का अध्ययन करते हैं इन पे इतना समय धन श्रम बर्बाद करते हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये हमारे समाज के विकास की धारा से बिल्कुल ही अलग थलग समाज हैं, तो इन पर इतना समय श्रम धन करना बर्बाद है, बेकार है। यदि इतना ही समय श्रम धन हम सभ्य समाज या समाज के अन्य किसी दूसरे पक्ष पर लगाएं तो इसे कहीं बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आदिम समाजों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि आदिम समाज क्या है, आदिम समाज किसको कहा जाता है। आदिम से सामान्यतः अर्थ लगा दिया जाता है पुराने समाज, लेकिन आदिम समाजों का यदि हम देखें तो इनको अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे आदिवासी, आदिम जातियां, पर्वतीय जातियां, वन्य जातियां, और आज वर्तमान में इनका जो नाम लिया जाता है वो है अनुसूचित जनजातियां। यानी कहने का तात्पर्य वो है कि आदिवासी या आदिम समाज वह समाज है जो आज भी अपनी आदिम अवस्था में है, आज भी अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आदिम व्यवस्था के तहत करता है। पर्वतीय जातियाँ से तात्पर्य यहाँ जो पर्वतों पर रहती हैं, जंगलों में रहती हैं, वनों में रहती हैं, ऐसी जातियाँ जो सभ्य समाज से सुदूर हैं, जिनका सभ्य संस्कृति से या सभ्य समाज से कोई लेना देना नहीं है, वह बिल्कुल इनसे अलग थलग हैं, उन समाजों को हम आदिम समाज कह सकते हैं। वर्तमान में जैसा कि मैंने बताया अनुसूचित जनजातियां, जिसको एसटी भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वे आदिम समाजों के अंतर्गत आते हैं। तो जहां हम इनकी परिभाषा के रूप में यदि हम देखना चाहें तो वो एक सबसे पहले परिभाषा मजूमदार और मदान ने इसकी परिभाषा दी है, थोड़ी बड़ी है लेकिन स्पष्ट है, और वे कहते हैं कि कोई मानव का ऐसा समूह जिसका एक सामान्य नाम है, एक निश्चित भूभाग है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है, जिसने आदान प्रदान संबंधी एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है तथा अंतर्विवाह के सिद्धांत का समर्थन करता है को जनजाति समूह कहते हैं। परिभाषा सीधी है, स्पष्ट है, लेकिन कुछ या इसमें हम फिर भी कुछ ढूंढना चाहेंगे तो वो है जैसे निश्चित भूभाग, बात स्पष्ट हो रही है, एक निश्चित भूभाग में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है, यह भी ठीक है, जिसमें यानी जिस समाज में जिस समुदाय में एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग किया जाता है वह समाज। इसके आगे जिसने आदान प्रदान संबंधी एक निश्चित व्यवस्था का विकास कर लिया है, इसका यहाँ तात्पर्य ये है कि उन समाजों के पास आज भी कोई व्यापार जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, और आदान प्रदान की जो व्यवस्था उसमें पाई जाती है वो वस्तु विनिमय की पाई जाती है। किसी ए के पास एक वस्तु है तो बी के पास दूसरी वस्तु है, ए को बी वाली वस्तु की आवश्यकता है और बी को ए वाली वस्तु की आवश्यकता है, तो वे अपने आपस में आदान प्रदान करते हैं और इससे ही उनके
यानी हम कह सकते हैं कि आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं तथा अंतर विवाह के सिद्धांत का समर्थन करता है। इसमें एक विशेषता यहाँ स्पष्ट और होती है कि वह समाज, उस समाज को हम आदिम समाज की श्रेणी में रखते हैं जिनमें एक अंतर विवाह सिद्धांत का जो समर्थन करता है, ये अंतर विवाह सिद्धांत पाया जाता है। या कह सकते हैं कि जिस समूह में, अपने समूह में ही जहाँ विवाह की व्यवस्था होती है वह जनजाति समूह कहा जाता है, आदिम समाज कहा जाता है। दूसरी परिभाषा में हम देखेंगे गिलन एंड गिलन के द्वारा एक परिभाषा दी है जो कि इनसे मिलती जुलती है, और वे कहते हैं कि स्थानीय समूहों का ऐसा समुदाय जनजाति कहा जाता है जो कि एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति है। करीब करीब परिभाषा एक जैसी है, लेकिन एक शब्द इसमें आया संस्कृति। तो यहाँ संस्कृति की जब बात करें तो संस्कृति हम कहते हैं कि जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का ढंग। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उस समाज की जो संस्कृति होती है एक सामान्य होती है, एक जैसी होती हैं। उस समाज में अनेक संस्कृतियाँ देखने को नहीं मिलती, जिस प्रकार के सभ्य समाज में हमें विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा देखने को मिलती है, विभिन्न प्रकार के रहन सहन मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज मिलती हैं। ठीक यानी उसके विपरीत आदिम समाज में हमें एक ही संस्कृति देखने को मिलती है। उन समाजों में सभी का यानी रहने का तरीका, खाने का तरीका, व्यवसाय का तरीका, न्याय का तरीका एक समान होता है। तो अब हम आदिम समाज के बारे में यानी इन परिभाषाओं के बाद जो हमारे सामने एक जो चित्र स्पष्ट होता है तो वो कुछ इस प्रकार का है। हम कह सकते हैं कि आदिम समाज में वे समाज सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी प्रविधि सरल है, अर्थात ऐसे लोग जिनके पास आधुनिक उपकरणों का अभाव है, जहां रडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर की बात है, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव है। इनका काम इनके बिना ही चलता है, किंतु हम इनकी तुलना अपने पूर्व और पश्चात जगत से करते हैं तो यह देखते हैं कि इनमें और हम में जीवन के मूल सिद्धांत एक जैसे ही हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ हमारे यानी दिमाग में आदिम समाज के बारे में एकदम धारणा जो स्पष्ट हो जाती है कि उन समाजों को हम आदिम समाज कहते हैं जिनके पास में यानी आधुनिक उपकरणों का अभाव है, उनके पास में कोई मशीनें नहीं हैं, कोई रेडियो मोबाइल नहीं है, टीवी और कह सकते हैं कि दूरसंचार के साधन नहीं हैं, आवागमन के साधन नहीं हैं, जहां हम कह सकते हैं कि रडार और यंत्र चालित परिवहन तो बहुत दूर की बात है, वहां पर क्या है, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव है। नहीं कहता पर वहां उनके पास मुद्रा भी नहीं है, वहां करेंसी नहीं है, वहां रुपया नहीं है, वहां पैसा नहीं है, और नहीं वहाँ लेखन की कला है, और उनका जो काम चलता है इसके बिना ही चलता है। यानी व्यापार उनमें होता है लेकिन मुद्रा के अभाव में होता है, वस्तु विनिमय के रूप में होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में एक आदिम समाज की जो चित्र जो स्पष्ट हुआ है तो वह समाज जिनके पास में कोई तकनीकी नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है, कोई व्यापार की आधुनिक कह सकते हैं कि व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे जो समाज हैं जो आज भी यानी उसी अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो उनको आदिम समाज की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम यहाँ आदिम समाज की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं जिसे आदिम समाज की जो धारणा है हमारे दिमाग में और स्पष्ट हो जाएगी
कि आदिम समाज क्या है, आदिम समाज किसको कहा जाता है, तो सबसे पहले आदिम समाज की जो विशेषता हमारे सामने जो देखने को मिलती है वो है छोटा आकार। यानी आदिम समाज की विशेषता है कि इनका जो आकार होता है छोटा होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार के सभ्य समाज का जो आकार होता है बहुत विस्तृत आकार होता है, बहुत बड़े आकार के समाज होते हैं, वहीं आदिम समाज जो होता है उनका आकार छोटा होता है, चाहे वो क्षेत्र के संबंध में लें, चाहे वो जनसंख्या के संबंध में लें, चाहे वह तकनीक के संबंध में लें, चाहे वो आवश्यकताओं के संबंध में ले लें, वह आकार जो होता है बहुत ही छोटा होता है। कहने के साथ पर उनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित हैं, क्षेत्र उनका बहुत सीमित है, उनके जीवन जीने के तरीके की जो रीति रिवाज हैं वह सभ्य समाज की तुलना में बहुत सीमित हैं। अतः कह सकते हैं कि आदिम समाज वह समाज है जिसका आकार बहुत छोटा होता है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं कि सरल आर्थिकी। आदिम समाज में वर्तमान समाज हमारे जैसे सभ्य समाज जैसी जो आर्थिकी होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उस प्रकार की वहाँ अर्थव्यवस्था देखने को नहीं मिलती। वहाँ कोई बैंकें नहीं है, वहाँ कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं है, वहाँ कोई विश्व बैंक नहीं है, वहाँ कोई हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट नहीं है, इसके बिना ही वहाँ सब कुछ काम चलता है। उनकी जो आर्थिकी है एकदम सरल है और उनकी जो आर्थिकी जो चलती है वन्य वो कह सकते हैं वन्य सामग्री के आधार पर वो अपनी सीमित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, अपन भरण पोषण का काम पूरा करते हैं। और वहाँ जो व्यापार के नाम पर एक वस्तु विनिमय वाली व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, इसके अलावा और वहाँ कोई यानी अर्थव्यवस्था के रूप में कोई अन्य तकनीकी या अन्य कोई उसमें प्रक्रिया हमें देखने को नहीं मिलती है। तीसरी विशेषताओं के रूप में हम देखते हैं सरल तकनीकी। सरल तकनीकी से तात्पर्य यहाँ ये पर ये है कि जिस प्रकार के सभ्य समाजों में हमको आज बड़ी उच्च तकनीकी देखने को मिलती है, वहाँ पर हमें आदिम समाजों की जो तकनीकी है वह एक का एकदम सरल प्रकार की है। वे अपनी समस्त आवश्यकताओं को अपने हाथ पैरों से ही और हाथ और पैरों हाथ से बनाए हुए उपकरणों के माध्यम से ही वो पूरा करते हैं। वहाँ हमारी जैसी मशीनें, हमारे जैसे कारखाने, हमारे जैसे यानी के दूरसंचार के साधन, हमारे जैसे यातायात के साधन, हमारे जैसे ये जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वो उनके पास में इस प्रकार की नहीं है। सीधे साधे सरल हथियार हैं उनके, पत्थर और लकड़ी के बनाए हुए, और जहाँ तक है वो अपने हाथ और पैरों से ही काम करते हैं, जिससे अपनी जो भी आवश्यकता है उनको वो पूरा करते हैं। तो कह सकते हैं कि वहाँ उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो प्रौद्योगिकी है, वह एक सरल प्रकार की है। नंबर चार के रूप में हम देख सकते हैं कि वहाँ निम्न विशेषीकरण पाया जाता है। एक आदिम समाज की ये विशेषता बताई जाती है या हमको देखी जाती है कि आदिम समाजों में कोई विशेषीकरण नहीं देखने को मिलता है। विशेषीकरण से तात्पर्य है यानी किसी भी व्यक्ति विशेष में कोई विशेष योग्यता वाली वहाँ बात नहीं होती। जिस प्रकार से आज हम सभ्य समाज की जहाँ बात करते हैं, हर व्यक्ति हर समाज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विशेषज्ञ के रूप में काम करता है। उदाहरण के रूप में हम डॉक्टर की यहाँ बात करें तो एक शरीर यानी मानव शरीर का जो कह सकते हैं जो वैज्ञानिक है उसमें भी अनेक क्षेत्रों में विशेष योग्यता प्राप्त करता है। कोई दिल का डॉक्टर है, कोई आँखों का डॉक्टर है, कोई कान का डॉक्टर है, कोई हड्डी का डॉक्टर है, लेकिन वहाँ जो विशेषीकरण वाली बात है वह बहुत ही निम्न प्रकार की बात हमें वहाँ देखने को मिलती है। अपने जो समस्त आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं, मिलजुल कर आपस में पूर्ति कर लेते हैं, और विशेषीकरण जो वहाँ देखने को मिलता है तो वह भी निम्न प्रकार से देखने को मिलता है। यानी बहुत ज़्यादा वहाँ विशिष्टता लोगों में नहीं है। हर काम लगभग हर व्यक्ति कर लेता है, संपन्न कर लेता है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता रहता है। पांचवी विशेषता के रूप में यहाँ हम देखते हैं कि साहित्य का अभाव। एक विशेषता यहाँ हमें यह भी देखने को मिलती है कि उन समाजों में साहित्य का अभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार के हम सभ्य समाज की जहाँ बात करते हैं, यहाँ
हमें जो अपना हमारा जो इतिहास है, हमारी जो प्रथाएं और परंपरा हैं, रीति रिवाज हैं, जो साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं, हमें पढ़ने को मिलती हैं, हम अपना इतिहास को जान सकते हैं साहित्य के माध्यम से। वहाँ साहित्य का अभाव है, वहाँ उनके पास में कोई साहित्य नहीं है उन समाजों में, क्योंकि वहाँ लेखन नहीं है, लेखन प्रक्रिया नहीं है, वहाँ उनकी कोई हम कह सकते हैं कि लिपि नहीं है, इसी कारण उनके पास में अपना कोई साहित्य भी नहीं है, अपना कोई उनका इतिहास भी नहीं है। नंबर 6 में हम बात करें तो संबंधों की घनिष्ठता। आदिम समाज वे समाज हैं जिनमें आपस में संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती है, और इसके सबसे बड़ा कारण ये है कि वो समाज जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं, उनकी सीमित आवश्यकताएं होती हैं, और सीमित आवश्यकताओं होने के कारण, जो छोटे आकार होने के कारण उनका संबंध जो होता है आपस में प्रत्यक्ष संबंध निर्मित होते हैं, और जहाँ प्रत्यक्ष संबंध निर्मित हो जाते हैं तो वहाँ हमको घनिष्ठता देखने को मिलती है। वहीं हम सभ्य समाजों की बात करते हैं, नगरी समाजों की बात करते हैं, नगरी शैली की बात करते हैं, तो वहाँ व्यक्ति पास पास जरूर रहता है लेकिन आपस में उनमें घनिष्ठता नहीं होती है, क्योंकि उनमें प्रत्यक्ष संबंध तो है लेकिन जो मानसिक रूप से जो आदमी जो जुड़ता है वह वहाँ नगरीय समाजों में उसका अभाव देखने को मिलता है। लेकिन आदिम समाजों में जहाँ विभिन्न व्यक्ति हैं उनमें आपस में घनिष्ठता देखने को मिलती है, संबंधों में घनिष्ठता होती है। नंबर 7 के रूप में हम देख सकते हैं कि आदिम समाजों में संबंधों का आधार जो है रक्त एवं स्थान का होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आदिम समाजों में करीब करीब जो सभी जो लोग होते हैं रक्त संबंधी होते हैं, और एक रक्त संबंधी जो एक समूह है या हम कह सकते हैं उनका जो आधार होता है या तो रक्त होगा या फिर स्थान होता है, यानी एक स्थान विशेष पर रहने वाले जो लोग हैं, एक जनजाति के लोग कहे जाते हैं, एक समाज के लोग कहे जाते हैं, उसी प्रकार से एक रक्त के जहाँ तक लोग हैं जिनके रक्त की शुद्धता है, रक्त संबंधी हैं, तो उनका जो आधार है मुख्य रूप से वो रक्त एवं स्थान के आधार पर ही निश्चित होता है। निरक्षरता की बहुलता ये अगला बिंदु है। एक विशेषता हमको ये भी देखने को मिलती है कि आदिम समाजों में हमें निरक्षरता की बहुलता देखने को मिलती है। वहाँ निरक्षरता हम कह सकते हैं करीब करीब 100% होती है, हर लोग वहाँ निरक्षर होता है। वहाँ कोई यानी पढ़ाई की वहाँ कोई शिक्षा के लिए कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं है, क्योंकि उनका जो निवास स्थान होता है वो दुर्गम पर्वतों और जंगलों में होता है, वनों में होता है, इसलिए वहाँ निरक्षरता का पूर्णतः अभाव है। और निरक्षरता का अभाव होने का एक कारण ये भी है कि वे आज भी इस सभ्य संस्कृति से बहुत ही दूर हैं, आज भी वो सभ्य संस्कृति के नज़दीक आना नहीं चाहते हैं। अगले बिंदु के रूप में दुर्गम स्थान पर निवास, जैसा स्पष्ट है बिंदु से ही कि इन समाजों का जो स्थान होता है वो दुर्गम स्थानों पर होता है। दुर्गम स्थान से तात्पर्य यानी उस स्थानों पर होता है जहाँ कोई दूसरे समाज का लोग आसानी से पहुँच नहीं सकता। आज भी यानी सुदूर जंगलों में या ऊंचे ऊंचे पर्वतों में ये निवास करते हैं, और उसका कारण ये है कि ये अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से ये अलग रखना चाहते हैं, उसको बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए ये दूसरी संस्कृति के पास मिलना जुलना जहाँ तक है वो उस पर रोक लगाए रखते हैं। तो इनका जो स्थान है आज भी कैसा है, दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं। और अंत में नंबर 10 और विशेषता लास्ट में हम ये कह सकते हैं, एक विशेषता है इसकी कि सामाजिक समूह का अभाव होता है। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार के सामाजिक सभ्य समाजों में हमें एक ही समाज में अनेक प्रकार के समूह हमको देखने को मिलते हैं, वहाँ इस प्रकार के समूहों का अभाव होता है। वहाँ मात्र एक ही समूह होता है और उसी समूह में वे लोग अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं। यहाँ हम सभ्य समाज की जहाँ तक बात करते हैं तो हमको कई प्रकार के यहाँ समूह हमको देखने को मिलते हैं, तो वहाँ समूहों का अभाव देखने को मिलता है। आज इतना ही, इसके आगे किनका
अध्ययन आवश्यक क्यों है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।